लाइफलाइन पर दोबारा जिंदगी बहाल। अब सिर्फ 15 मिनट में तय होगी पटना से हाजीपुर की दूरी। 15 जून 2017 से शुरू हुआ था पूर्वी लेन का मरम्मत कार्य। इसकी अनुमानित लागत 1,382.4 करोड़ थी, लेकिन बाद में बढ़कर लगभग 2100 करोड़ हो गई। सेतु की लंबाई 5 किलोमीटर 575 मीटर है। पुल पर जगह जगह सेफ्टी इंडिकेटर लगाया गया है। 24 घंटे लाइट की व्यवस्था है। बिजली नहीं होने पर किया जाएगा सोलर लाइट का इस्तेमाल। पुल में सीमेंट का बेस नहीं होने से 100 साल से अधिक समय तक टिका रहेगा। चौकर के बजाय किया गया है बेयरिंग का इस्तेमाल, ताकि खराब होने पर आसानी से बदला जा सके। पुल को 47 पिलर का बेस दिया गया है। साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए 2 मीटर का फुटपाथ बनाया गया है। पूर्वी और पश्चिमी लेन पर दूर तक स्पष्ट दिखने और उच्च क्षमता वाले 10-10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इस सेतु में यूटिलिटी कॉरिडोर भी बनाया गया है। 2017 में ही शुरू हुआ था इसके सुपर स्ट्रक्चर बदलने का काम। दोनों लेन को 2019 में ही बदल देना था, लेकिन 3 साल विलम्ब से ही सही, पर अब दोनों लेन पर आवागमन शुरू हो गया है। इस तरह उत्तर बिहार जाना और उत्तर बिहार से राजधानी पटना आना अब काफी आसान हो जाएगा। इससे पहले पुराने स्ट्रक्चर के मरम्मत पर 2002 से 2014 तक कुल 3.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1982 से 2007 तक वसूली गई टोल टैक्स 139.17 करोड़ रुपए है। पूर्वी लेन का निर्माण 1982 में और पश्चिमी लेन का 1987 में पूरा हुआ था। सेतु निर्माण पर कुल लागत 87.21 करोड़ रुपए आई थी, जिसे गैमन इंडिया लिमिटेड ने कराया था। 35 साल तक देश का सबसे लंबा पुल होने का गौरव पाने वाला महात्मा गांधी सेतु एक बार फिर इतिहास रच रहा है। अब ये देश का दूसरा सबसे लंबा स्टील ब्रिज बन गया है। कभी एशिया के सबसे बड़े ब्रिज का तमगा हासिल इस सेतु के बन जाने से पूरे बिहार को बड़ी राहत मिलेगी। We'll be right back.